आज विश्वविद्यालय में सिंडिकेट में छात्रों के प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें दो कैंडिडेट खड़े थे, सुनील चौधरी जी जो वर्तमान समय में छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और दूसरे दिनेश जी पंचारिया जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। कुल सीनेट के 86 वोट थे, उसमें से 45 वोट डाले गए। दिनेश पंचारिया जी को 25 वोट मिले और सुनील चौधरी को 20 वोट मिले। पंचारिया जी को सिंडिकेट का सदस्य जीत विजयी घोषित किया गया। इस जीत को मैं बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद और आभार दूंगा और वो सभी के आशीर्वाद से निर्दलीय जीता। और ये चुनाव भी बहुत मेरे लिए, तो मैंने ऐसा कभी सुनना भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा जीवन में कि मैं इस विश्वविद्यालय में आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा। मैं सबका आशीर्वाद रहा सर, सभी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय बनाने में और विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जो MBM का नॉर्थ कैंपस है उसके अंदर जो सड़क नहीं है उसको लेकर भी मैं मेरा जो प्रयास रहेगा। दूसरा, विश्वविद्यालय के अंदर जो वेबसाइट है, जो एक इसको सरल जो किस तरीके से बनाया जाए, जो विश्वविद्यालय की जो फेस होती है, जो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको एक इंटरव्यू के लिए कंपनी आती है तो उसको पहले ही कहती है कि भाई आपकी वेबसाइट देखो, उससे बहुत डिफिकल्ट है। उसको MNET देश की जो अच्छी है उसकी वेबसाइट की तरह एक सरल वेबसाइट बनाना और विश्वविद्यालय के अंदर क्लासें और फर्नीचर अच्छा से अच्छा बने और विश्वविद्यालय का अच्छा नाम रोशन हो। एक दूसरी मांग है, विश्वविद्यालय जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो ई रिक्शा है और जो बहनों के लिए हॉस्टलों में जो